ओम शांति। 22 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते। आप भी सभी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आप इस टाइम नहीं जुड़ सकते, मुरली आप बाद में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी विचार आता है तो आप सामने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है जो लाइन नीचे चल रही है, और उस पर आप लिख करके भेज सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक भी लिख करके भेज सकते हैं, हम आपके पास भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बन कर जाना है। कर्मातीत कर्म के प्रभाव से परे, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे, और फाइनल होता है कर्म से भी परे। अब ये कर्म होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करना होगा कि हम आत्मा परम धाम में साइलेंस में है, संकल्प भी नहीं है, परंतु साइलेंस में होना भी कर्म है या नहीं? क्या लगता है? आत्मा का साइलेंस में होना ये भी कर्म है या नहीं? क्योंकि ये भी हमारा संकल्प है कि हम साइलेंस में हैं, हमारी उपस्थिति बेशक मोबाइल साइलेंस में पड़ा हुआ है, उसमें टाइम तो चल रहा है ना। मोबाइल में जब टाइम उसका उठने का होगा, हमें जगाने का होगा, तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जब तक वो टाइम नहीं आया तब तक वो साइलेंस में उसका रहना भी, टाइम तो उसमें चल रहा है ना, टाइमर तो वर्क कर रहा है ना, वो टाइमर उस आत्मा में भी लगा हुआ है कि अब तुमने अब से 100 साल बाद, 500 साल बाद, 4999 साल बाद इस दुनिया में, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना, चाहे 1 साल बाद जाना, तो 1 साल के लिए साइलेंस है, तो वो साइलेंस भी काम होगा या नहीं होगा? कर्म होगा, कर्म है ना। अब वहां हमें उस कर्म के प्रभाव से परे है, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ना हमें कोई खुशी हो रही है, ना हमें कोई दुख हो रहा है, कोई फीलिंग हमारे पास नहीं आ रही है, वो कर्मातीत अवस्था है। यही अवस्था यदि अब हो जाए कि हम कोई भी कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे हो, तो हम कर्मातीत हैं। उस अवस्था तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें करना है, ये नहीं है कि हम एक ही सेकंड में कर्मातीत हो जाएंगे। हमें कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे,
जैसे हम हर समय हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कर्म हो रहे हैं, परंतु हम उनके प्रभाव से परे रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारी सारी कोशिकाओं के अंदर हर सेकंड कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, परंतु हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। हां, बीपी थोड़ा हाई हो गया है, नॉर्मल में कोई प्रभाव नहीं, या बीपी लो हो गया है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देता है। हमें दर्द हो रहा है, हमें बेचैनी हो रही है, हमें नींद आ रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बीपी बहुत लो हो गया है। तो ये जो है, जब तक वो सामान्य है तो हम उसके प्रभाव से परे हैं, परंतु जैसे ही वो असामान्य होता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देना शुरू होता है। तो इसी प्रकार से आत्मा की एक नेचुरल अवस्था है परम धाम में होना। जैसे ही उस नेचुरल अवस्था से परिवर्तन आता है तो हम परम धाम से बाहर, उस कंफर्ट जोन से बाहर, बेचैन, हम बाहर आ गए, हम आकर्षित हो गए, इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आ गए। तो हमें बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम आत्मिक स्मृति में, उसके साथ आत्मिक स्थिति में आ जाएं, आत्म स्मृति के साथ आत्मिक स्थिति में आ जाएं और कंफर्ट जोन में रहें, तो हमारे को बेचैनी नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, वो भी कर्मातीत होने का प्रोसेस है कि धीरे धीरे हम कर्मातीत होते जा रहे हैं, जिसको बाबा कहते साक्षी बनने का अभ्यास करो। जैसे जैसे हम साक्षी होते जाते हैं तो हम कंफर्ट जोन में आते जाते हैं, जहां हमें कोई बेचैनी नहीं होती। और ऐसे तो हम बेचैनी उन सब आदतों में ले लेते हैं जिनको हमने नेचुरल समझ लिया। ये दुख तो सामान्य है भाई, सबको है, कोई बात नहीं, इतना दर्द तो लेना पड़ेगा, इतने ताने तो सुनने पड़ेंगे, रिश्वत लेना भी नेचुरल है भाई। तो हमने बहुत सारे काम सामान्य समझ लिए, इस नरक में जीने को भी हमने सामान्य कर लिया है, परंतु सामान्य हमें आत्मिक स्थिति में होना है, इस देह की स्थिति में नहीं। तो कर्मातीत आत्मा को बनना है, हमने आत्मिक स्मृति और आत्मिक स्थिति में जाते जाना है। जितना हम आत्मिक स्मृति और स्थिति को बढ़ाते जाएंगे, उतना हम कर्मातीत की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिर चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा, हम साक्षी दृष्टा बनते जाएंगे। जो कुछ भी जो कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं, नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं। जैसे बाबा हलचल में नहीं आता, ऐसे हम भी ये बात अपने आप को समझाते जाएंगे तो हम भी हलचल में नहीं आएंगे। नथिंग न्यू। तो ये हमें अवस्था बनाकर घर जाना, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए।
दाग, कमी, कोई भी कमी होगी, कोई भी फ्लो होगा, वो मुझे हलचल में लाएगा। अपनी जांच कर अपनी कमियों को निकालते जाओ तो कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचते जाएंगे। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? पहले तो ये बताना है किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती, उसका पुरुषार्थ क्या है, मेहनत क्या करनी है उसके लिए। उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? सामने आ जाए तो देखते भी ना देखो, कोई भी चीज सामने ना आए, सामने आ भी जाए तो देखते हुए भी ना देखो। महात्मा बुद्ध ने, मैंने आपको सुनाया था, कहा स्त्री को मत देखो, तो ये कैसे होगा? वो तो सामने आएगी। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही लाइन कही, तो जागते रहो। अब वो उसका अर्थ समझे हो या ना समझे हो, देखते भी ना देखने का मतलब है जागृत अवस्था में रहो, और जागृत अवस्था बाबा की डायरेक्शन के मुताबिक मैं आत्मा हूं। स्मृति में रहना, स्मृति स्वरूप रहना, मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे भी सामने सब क्या दिखाई देंगे, आत्मा दिखाई देंगे। यदि मुझे देह दिखाई दे रही है तो समझ लेना है कि मुझे आत्म विस्मृति है, मुझे आत्म स्मृति नहीं है, मैंने अपने आप को आत्मा समझा हुआ नहीं है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम आत्मा हैं, ये स्मृति में रहना बहुत जरूरी। देह में रहते देही अभिमानी रहो, देह में रहते देही अभिमानी रहो, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि बस हमने सोचा और हो गया। बुद्धि में सिवाय बाप और घर
बुद्धि में सिवाय बाप और घर याद नहीं आए। सिवाय बाप और घर के कोई और वस्तु याद नहीं आए, कोई भी दूसरी चीज। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, ये याद रहे। मेरा घर शांति धाम और घर याद होने का मतलब है मुझे मेरी अवस्था भी याद रहे। यदि मेरी अवस्था परम अवस्था नहीं है तो मैं शांति धाम में क्या हूं। जितना बनते जाएंगे उतना अनुभव करेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है। इसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर अपनी जांच कर सकते हैं। ये ध्यान से समझने वाली बात है। हम अपने आप को आत्मा समझ सकते हैं, परमात्मा के पास हैं, अपरम अवस्था में हैं, ये समझ सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम कर सकते हैं तो स्वयं का परमात्म डायरेक्शन पर निरीक्षण कर सकते हैं, अपना चार्ट रख सकते हैं। परंतु दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आई, दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आई, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। कोई डाउट है तो पूछ सकते। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सिक्की लदे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि हम अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है, ये तो एक कॉमन कायदा है, नियम है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी ये कलयुगी, अभी क्या है, ये कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल, इसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते, भिन्न भिन्न झाड़ होते। ये फल देने वाला बगीचा है, इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल, आहिस्ते आहिस्ते
मीठे खुशबूदार भी बन रहे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, सब वैरायटी है ना, बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। माउंट आबू क्या करने जाते हैं? बाप का मुखड़ा देखने। ये तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है जरूर। तभी तो सवेरे सवेरे कोई काम नहीं है, उठ के आ जाते हैं। हाँ, हमारा तो मुखड़ा इन आंखों से दिखता नहीं, फिर भी उठ के आ जाते हैं। सोचना पड़ता है, ठीक है बाबा हमें पढ़ा रहा है, बैठ जाओ सुन लो, जीवन बदल जाएगा। दिव्य नेत्र से काम लेना पड़ता है, इन आंखों से तो कुछ दिखाई देता ही नहीं। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं, मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक पने में दुख है, हद के मालिक पने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का है, ये खेल ही किसका है? और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो, घर पर धनी की नजर रहती है ना, जो घर का मालिक होता है उसकी नजर कहां होती है? घर पर होती है ना। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं, अपनी अपनी कमियों की लिस्ट बना के बाबा को दो। बाबा पूछ रहे हैं क्या अपनी कमियां लिख सकते हो? कोई जवाब नहीं दिया। क्या करें, लिखेंगे तो बाबा से समझ मिलेगी कि मेरी ये कमी कैसे दूर हो। कमी लिखेंगे तो मुरली आ जाएगी, जवाब आ जाएगा। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हां बनना जरूर है, कल्प कल्प बने हैं इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है। वे बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे, इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। वे फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती।
इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर घर, ये शरीर भी छोड़कर घर जाना। फिर क्या करेंगे? शरीर भी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहां धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं, कर्मातीत होकर ही जाना है। तो कोई भी फलो नारे, घर जाना है, दाग रहा वहां तो दाग निकलेगा नहीं, उसी दाग के साथ वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा और लेट आना पड़ेगा। क्योंकि तुम हीरा बनते हो, हीरे का मतलब होता है फ्लॉलेस, बेदाग हीरा। ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो, जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो निकाल थोड़े ही सकेगा। जड़ हीरा अपना दाग अपने आप थोड़ा निकाल सकेगा। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, सुप्रीम सर्जन पूछ रहे हैं, कौन सा फ्लो है? कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है? फ्लो लेस तो पिछाड़ी में बनना है, वे सब अभी निकालने हैं। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का ज्वेलरी है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ज्वेलरी है ना, सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे है। ऐसा ज्वेलरी कोई नहीं होगा ही नहीं जिसको इतना हीरों का परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो को निकाल सकते हो, मेहनत करके दाग मिटा सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे।
बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरूर शरीर छूटने समय अंत में कोई याद ना आए। ये तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, बड़ा पक्का होकर बैठा आज, जरा भी ढील नहीं दे रहा, हाँ मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाओ, संबंध रखना ही है तो सिर्फ सारे संबंध एक बाप से रखो। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, समझ गए बात को? बताओ आज ये डायमंड की शॉप बन गई है, जवाहरात की दुकान है ये। आपको तो रखना है ये बातें, दूसरा कोई जानता भी नहीं, तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिनों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है। जरूर पुरुषार्थ किया है, हैं तो तुम्हारे में से ही ना, तो बाहर से तो आए नहीं है, ऊपर मंगल ग्रह से तो कोई नहीं आया ना, एलियन वगैरह। पिछला ड्रामा देख के बाप बता रहे, वर्तमान में पीछा कुछ नहीं देखता, तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। हाँ बिल्कुल, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना, कि ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना, वो तो जड़ हीरे हैं, पर तो हम सारे तो चैतन्य हीरे हैं ना, हम चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना, हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तोड़ाए, क्या करती है, कहां ना कहां भटकाते हैं, वो है हमारे वो दाग, वो फ्लो, वो कमियां जो हमें भटकने के लिए मजबूर करते। बच्चे माम एकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इनों की तो बत्ती बननी थी जो तैयार हो निकली,
सर्विस के लिए। पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, बल पुराने हैं तो भी खामियां हैं, पुराने हैं तो कमियां भी निकलने की है सारी। हर एक अपने दिल से पूछो, समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है, समझते बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान। सबसे जास्ती खाद है दे अभिमान के, तब ही दे की तरफ बुद्धि चली जाती है। दे में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ये बात सख्त काम। ऐसी अवस्था जमानी अंधे हो जाए, देखते भी नहीं देखते, अजीब बात है ना। हाँ, कोई भी सामने ना आए। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप और शांति धाम के कोई भी वस्तु ना आए। कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। क्यों याद ना आए? कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध को जरा भी याद ना करो। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या। गीता तो गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, ये अभी की बात है। किसका जो स्त्री सिमरे वो वैश्या जो बता रहे थे, अभी ये जो कोट आई है अभी बोला अंत काल जो स्त्री सिमरे, कभी कभी बाबा कहते हैं अंत काल को स्त्री पुरुष को सिमरे, मतलब विकार की याद में आए तो वेश्या बनेंगे। अंत समय ड्रामा अनुसार उस आत्मा को वही याद आएगा जहां उसको जाना है। तो अभी से हम पुरुषार्थ करेंगे कि हमें परम धाम जाना है, परम अवस्था में जाना है। हमने दुनियावी संकल्पों में नहीं आना है, उसको कैसे संकल्पों से बाहर करना।
क्योंकि जिधर हमारा ख्याल होगा हम वही बनेंगे, और रामानुसार मुझे जहां जाना है मुझे वही याद आएगा और मैं वही मां के पास जा करके गर्भ धारण करूंगा। गांधी जी को लास्ट में राम याद आई, तार ने ये राम उन्होंने कहा कर्म लिया। देखो जो जैसे कर्म करके गया है अब उनके कर्मों की आलोचना हर एक प्रकार से अपने अपने तरीके से सब करते हैं, कोई उसको गलत सिद्ध करता है तो कोई उसको राइट सिद्ध करता है, परंतु उसने जो कर्म किए हैं वो वही जानता है और उन कर्मों का फल उसने ही लेना था, कहीं बाहर नहीं गया। राम लोग का जैसे पर साथ में गीता भी रखते थे सर, मुंह में राम था और साथ में गीता थी, कैसा मेल बनेगा? भाई जी का क्वेश्चन अलग है। फिर से अंत मति मीन्स जो हमारे पास लास्ट थॉट है वो अंत मति है, हमारा लास्ट थॉट ही हमारा रिजल्ट है और एवरी सेकंड हमारा जो थॉट है वो हमारा रिजल्ट है। अब मेरे को कैसे विचार आ रहे हैं वही मेरा एट प्रेजेंट रिजल्ट है, और ये हम सभी जब अंतर्मुखी बनते हैं तो जांच कर सकते, बिना अंतर्मुखी बने जो आपको चाहिए, अब मेरे थॉट मुझे चाहिए, आपके थॉट आपको चाहिए, और हमें अब बाबा को सरेंडर कर दिया है, हमें तो बाबा के थॉट चाहिए। क्लियर नहीं हुआ? आप बताएं हमें जैसे परम धाम में जाना है, परम अवस्था में जाना है, ये थॉट रखना, कोई थॉट नहीं रखना, कोई थॉट नहीं रखना। परम अवस्था में जाने के लिए तो थॉटलेस स्टेज है, संकल्प शून्य स्टेज है, उसमें ये भी नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, शरीर भुला हुआ हो, बेसिकली आत्म स्मृति रहे, शरीर भुला हुआ हो, मैं आत्मा हूं ये स्मृति पक्की रहे, ये फोट बना दिए क्यों भाई जी? बिल्कुल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए, गायन भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा बनेगा, परंतु ये नहीं कि हम हिरण की सोचेंगे तो जाकर हिरण बनेंगे, गाय की गाय याद आ गई तो गाय बनेंगे, नहीं। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाया है और ये अब की बात है, परंतु वे समझते थोड़े ही हैं, मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एक बाप की याद से ही तुम्हारी कट आप पाप कट जाएंगे और पवित्र आत्मा हीरा बन जाएंगे, कोई तो पत्थर में भी बुद्धि दैव बल बनती, कोई भी पत्थर तो बहुत है परंतु जो त्रासे जाते हैं वो वैल्यूएबल होते। माणिक भी वैल्यूएबल होते हैं,
बाप अपने से भी बच्चों को वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या क्या खामी है, हमारे में क्या क्या खामी है, कहां तक दे अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते, युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक बाप की याद रहे, बल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत हो, बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद ना आए। कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह होता है, बाप कहते हैं उन सबसे ममत्व मिटाए, एक को याद रखो, एक लवली बाप से ही, एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है, उनसे सब कुछ मिल जाता है, योग से ही तुम लवली बनते हो। बाप लवली और प्योर है ना, आत्मा को लवली और प्योर दोनों बनने हैं, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथा लवली बनेंगे, तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, बहुत लवली बनते हो ना, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो, तुम खुद ही पुजारी बन जाते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब लवली बनेंगे, सिवाय एक बाप के। एक बाप के और कोई याद ना आए सिवाय एक बाप के, तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं, बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, बाबा मेरा तो आपके सिवाय और कोई है नहीं, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है, हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ नहीं जाए, भल कितना भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद रहे। तो भी एक कितनी भी बाल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो, आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस शादी आदि भी नहीं करते रहते, करते रहते भी अलग है, शादी भी नहीं करते, रहते भी अलग है, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के, उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते हो।
यहां भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वो सम्मुख है। अब क्या याद करें जब वो सामने बैठा है, सामने बैठा है, फिर क्या याद करें भाई? श्रीमत पर चलना है। याद का मतलब श्रीमत पर चलना है। अब वो सामने बैठा है, जो कह रहा है वो हमें करना है। बाप कहते हैं मां में कम याद करो, मेरा कहना मानो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। है कोई शक तो बताओ, बाबा सामने बैठा है बता देगा। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत आदि सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है, कोई समझ कर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो ये लायक है वा नालायक। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो, जो भी यहां आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया, बाबा ने तुमको कराया, तुम फिर औरों का श्रृंगार कराएंगे। बाप आफरीन देते, शाबाशी देते किस बात की? हमेशा शाबाशी दे देंगे, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हो, इसलिए शाबाशी दे रहे हैं। अपना श्रृंगार जितना तुमने कर लिया है, आप समान औरों को बनाया है, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हो। भाषण करने में तो एक्सपर्ट है ना, अच्छा औरों को करा सकते हो। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना, कोई कोई समझने वाले समझाने वाले से भी तीखे हो जाते, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वे भी वे फिर निकल पड़ते। बाप दादा दोनों की दिल बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या कमियां। इनमें क्या क्या कमी है, ये कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में जाकर बैठते हैं अच्छे अच्छे महारथियों को, तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं है, अगर धक्का आएगा तो या रूठ जाएंगे। पूछेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख
अथाह खुशी होती है, ये बड़ा अच्छा बच्चा। बहुत बहुत खुशी होती। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, अलग अलग, इनमें अंदर कोई जंक पड़ी है तो ये भी दाग है। सारा किचड़ा निकालना है बाप जैसा लव कोई नहीं करता, स्त्री को भी पति में लव रहता है ना। वे तो दूसरी दूसरी तीसरी स्त्री भी कर लेते हैं, स्त्री का तो पति गया बस, क्या करती है वो, पति गया तो क्या करती है, या हुसैन, ये क्या होता है या हुसैन, छाती पीटना, फिर पीटना, सड़क पर हुसैन का घोड़ा आगे आगे चलता है, पीछे छाती पीटते हुए चलते। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई दूसरी आ गई, शरीर को जुत्ती कहा जाता है। हां जी, भाई सभी में जुत्ती का मतलब एक पत्नी मर जाए दूसरी तुरंत शादी करके ले आते, कहावत नहीं सच है भाई, कहावत तो है ही, हाँ लाइन तो कहावत है, मुहावरा है ये। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट देखा है, शिव बाबा का लॉन्ग बूट, हाँ। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे, कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी चार पांच रखते हैं। शिव बाबा ने कितनी जुतियां रखी, फैशनेबल जो होते हैं ना वो चार पांच जुतियां रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जुती एक है, पांव की जुती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है एडवांस में संभाल के रखने। जब संसार में थे तो दूसरे शरीर में भी आते थे ना, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा का शरीर था तभी किसी और में आते थे, आते थे। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं, हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्री मत पर चलना सीखते, श्री मत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहां तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, तुम वहां क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए, यहां तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही बल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, वहां रहना हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो ट्रस्टी हैं, कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है, घर में रहते भी ऐसे समझो, सौकारों
की बुद्धि में वो बातें भी निकलती जाए। बाबा कहते ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो, लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा के मल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो, बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे अपने घर जाएंगे, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। ठीक है, राजधानी में हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। बाबा कहते मुझे आना ही हर कल्प, अपने समय पर आता हूं। अपने समय पर आता हूं, एक सेकंड पहले या लेट नहीं आता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सबसे महत्व निकाल एक लवली बाप को याद, अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बन रहा है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। नंबर दो, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे हमने भी सबका श्रृंगार करना है। कोटों में कोई फूल बनने की सेवा में ठान ले। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रत के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही, फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों का विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है, इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक कोई संपूर्ण ना लेके आए। तब तक बांटना ही होगा। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी क्या करेंगे, आपको गले लगाएंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650 69 केवल व्हाट्सएप करे, फोन नहीं। ओम